हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम साथ साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरेंगे, हमें मरने का मौत का कोई गम नहीं होगा। ये जो कोटेशन है, ये एक छोटे बच्चे कही हुई कोटेशन है, जो 6 इयर्स का था। जो जैसा कि आप देख रहे हैं इस लेसन में, एक भयंकर समुद्री यात्रा जो राइटर अपनी फैमिली के साथ गया हुआ है एक वॉयस पर, और वहाँ पर तूफान आ जाता है, उस में वो मौत का सामना करते हैं। उस समय वो बच्चा ये शब्द कहता है, बड़ी मार्मिक शब्द है। अब हम पहले 4 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, आगे का सफर शुरू करते हैं। पैसेज नंबर 5। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बज in one. Clothes, crockery, charts, tins and toys shrouds about in deep water. I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. जब आप अभी तक आपने पढ़ा कि भयंकर तूफान आ जाता है और उनका जो शिप है, राइटर का शिप एक भयंकर तूफान में फंस जाता है और शिप के अंदर पानी भरने लगता है, तो उस पानी को निकालने के लिए सभी लोग प्रयास करते हैं, पंपिंग करना शुरू कर देते हैं। लैरी और हर्ब जो उनके साथी थे उस शिप पर, वो दोनों बहुत पागलों की तरह से पानी को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। सभी लकड़ियां टूट चुकी हैं और स्टारबोर्ड्स भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, क्रॉकरी, कपड़े, चार्ट्स, टिन, सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा और पानी में डूब गया। आई आप स्वयं राइटर आधा तैर करके बच्चों के पास पहुंचता है, बच्चों के केबिन के पास, और बच्चों से पूछता है, आर यू ऑल राइट? बच्चे आंसर देते हैं, ऊपर की शीट जो बर्थ होती है उस पर बैठे हुए हैं, कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, वी आर ऑल राइट, बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, सेड शू पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प ओवर हर आई। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प है, परंतु जो शू मेरी बेटी है वो बोलती है कि मेरे सिर में एक बूमर उभर आया है, चोट लगी है, वो दिखाती है, परंतु मेरे पास उस समय इतना समय नहीं होता है कि मैं उसको देख पाऊँ। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आई स्टगर बैक ऑन डेक विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन। We were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. और मुझे पेचकस और हथौड़ा मिल जाता है और मैं उसे उठा करके उस जहाज के स्टारबोर्ड को रिपेयर करने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो हम लोग बिल्कुल इस पानी के अंदर, समंदर के अंदर डूब जाएंगे, इसीलिए मैं उस कार्य में जुट जाता हूँ। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. और राइटर जो है, जो छोटे छोटे होल्स बन गए थे शिप में जिनसे पानी अंदर आ रहा था, उनके ऊपर कैनवास लगा करके उनको रिपेयर करने का प्रयास कर रहा।
Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. अधिकतर पानी बाहर की तरफ जा रहा था, परंतु जो बाहर से आने वाला पानी था उसकी गति कम हो गई थी. More problem arose when our hand pumps started to block up with the derbin. Floating around the cabins and the electric pump short circuited, the water level rose threateningly. सबसे बड़ी समस्या उस समय उत्पन्न हुई जब हमारे शिप के सभी पंप खराब हो चुके थे और जो है पानी में डूब चुके थे, और जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो इलेक्ट्रिक पंप भी शॉर्ट सर्किट हो चुके थे, और पानी का जो स्तर था वो भयानक रूप से बढ़ता जा रहा था. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड अलोंग विद द फॉरेस्ट सेल. द जिब, द जिंजीज एंड द मेन एंकर. और मैंने जब देखा जो डेक के बैक में मैंने दो पंप मुझे मिले, जो हैंड पंप मिल गए जिससे मेरा काम हो सकता था, तब मैंने चैन की सांस ली. और जो जहाज के आगे मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी होती है वो सब उसके साथ तिकोना पाल लगाया जाता है जो एयर प्रेशर को रोकने के लिए, और जो डोंगियां थी जिन डोंगी में बैठकर के लाइफ बोट जिसको हम बोलते हैं वो और लंगर जो एंकर होते हैं, एंकर यानी कि लंगर डाल देते हैं जिससे जहाज को रोका जाता है कहीं किसी कॉन्टिनेंट के सहारे से, तो ये सब ऐंट चुके थे. पैसेज नंबर 6. देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क. और मुझे मालूम हुआ कि हमारे चार्ट रूम के फर्श के पास एक इलेक्ट्रिक पंप और है स्पेयर में हमारे पास पड़ा हुआ है, और मैं ईश्वर का धन्यवाद मैंने उस समय अदा किया कि वो पंप वाकई काम कर रहा था. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. और वो जो रात थी बहुत भयानक रात थी, सर्दी भरी, सर्दी लगी हुई थी, ठंड से कांप रहे थे, और बड़ी मुश्किल से वो रात हमने पास की रेडियो पर और चार्ट पर काम करते करते. रेडियो पर मैसेज भेज रहे थे. We are getting no replies to our mayday calls. और हम लोग आस पास के जो ships थे उनको मैसेज कर रहे थे रेडियो के सहारे जिससे कि वो हमारी हेल्प कर सकें, परंतु कोई जवाब कहीं से नहीं मिल रहा था. Which was not surprising in the remote corner of the world. और ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हम बहुत दूर दुनिया के एक दूसरे कोने में थे जहां पर कोई नहीं हमारी सहायता के लिए नहीं था. Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. और सुजैन जो मेरी बेटी थी उसका जो सिर था सिर में स्वेलिंग आ गई थी, और उसकी जो आंखें थी तो काली काली आंखें दिख रही थी, आंखें भी बंद होती जा रही थी, आंखों पर भी चोट लगी हुई थी, और जो कि उसकी हाथ में भी एक बाजू में भी कट लगा हुआ था. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, to worry you when you were trying to serve us all. और मैंने कहा अपनी बेटी को सू, उसको हम प्यार से सू कहते थे, मैंने सू से बोला कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया था मुझे. तो वो बोलती है कि मैं
आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी, आप चिंता में पड़ जाते और हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, प्रॉब्लम हो जाती। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. और अगली सुबह 3 जनवरी तक जो पंप्स हमने लगाए थे उन पंप्स से पर्याप्त रूप से हमें फायदा मिला, उन्होंने पर्याप्त रूप से उस पानी को कंट्रोल किया और लगभग 2 घंटे तक हमें लगा कि हम अब इस समय निश्चिंत हैं, आराम की पोजीशन में आ चुके हैं। बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोर्ड्स मैन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few covered partitions. और हमारी ये चिंता बढ़ती जा रही थी क्योंकि हमने देखा कि जो मेरी बोट थी, लाइफ बोट्स, वो भी श्रिंक हो चुकी थी, टूट चुकी थी। जो हमारी कवर थी, वो कवर जो अलमारियां थी, वो भी खराब हो गई थी। इस बार भी स्टारबोर्ड भी खराब हो चुका था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट बट वी वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। हम लोग पिछले 15 घंटे से सर्वाइव कर रहे थे, जिंदगी और मौत की जिद्दोजहद से लड़ रहे थे, परंतु जो वेव वॉकर है, हमारी जो शिप है जिसका नाम था वेव वॉकर, अब नहीं लगता था कि वो ज्यादा समय तक इन सब तूफानों को झेल पाएगा और हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही हमारे नजदीक का द्वीप था, महाद्वीप था। आई चेक आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स a few hundred kilometers to the east, one of them placed Amsterdam was a French scientific base. मैंने चार्ट्स को कैलकुलेट किया, नक्शों को देखा और देखने से मैंने जो कैलकुलेशन की, मुझे पता चला कि मेरे नज़दीक कुछ 100 किलोमीटर के आसपास एम्स्टर्डम एक द्वीप है जहाँ पर फ्रांसीसी वैज्ञानिकों का बेस लैब्स है। तो वहाँ तक हमें पहुँचना था, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। बट अनलेस द विंड एंड सीज अवेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजिन आउट ऑफ एक्शन। और हमारी जो ये लहरें थी, वो लहरें हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत रुकावट डाल रही थी और इंजन भी हमारा जवाब दे रहा था। और हमारे इंजन को लहरों ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। नेक्स्ट 8 पैसेज ऑन जनवरी 4 After 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and hit it for where I thought the 2 islands were. Mary, some corner beef and cracker biscuits, and we ate first meal in almost 2 days. हम
पिछले 36 घंटों से पूरा प्रयास कर रहे थे जिद्दोजहद का, हम थक चुके थे और हमारा शिप, हमें लग रहा था कि जो आने वाला हमारा द्वीप है एम्स्टर्डम द्वीप, शायद वहाँ तक ना पहुँच पाए। उसी समय मैरी मेरी पत्नी कॉर्नर से कुछ बीफ और बिस्किट्स कुछ लेकर के आई, कुछ कुरकुरे बिस्किट थे जो हमने खा करके अपनी भूख को शांत किया, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया था। बट ओवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लीव्ड एट 4 PM, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। द वेदर कंटिन्यूड टू डिट्रॉयट थ्रू आउट द नाइट एंड डे। डन ऑन January 5, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। और लगभग शाम को 4 बजे हमने महसूस किया कि बहुत घने काले बादल घिरे हुए आ रहे हैं हमारे पीछे से, और हवा की रफ्तार मैंने जब चेक की तो 40 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से वो हवाएं चल रही थी। हवा की जो गति है उसको नोट में नापा जाता, नोट्स को कहते हैं समुद्री मील। तो 40 समुद्री मील की रफ्तार से वो हवाएं चल रही थी जो बहुत तेज होती जा रही थी, और अब हम बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच चुके थे, बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके थे इस समय। When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? I tried to assure him that we could make it, but Daddy, we went on, we aren't afraid to dying. If we can all be together, you and mummy, Sho and I. इतने मार्मिक शब्दों में उस बच्चे के का ये कथन था, जैसा कि लेक्चर में जो इस लेसन का जो टॉपिक है वो डिस्क्राइब करता है, उस छोटे बच्चे जॉन के शब्द थे। जब राइटर अपने बच्चों के पास पहुंचता है तो जॉन कहता है, डैडी क्या अब हम मरने जा रहे हैं? I tried to assure him that we could make it. मैंने प्रयास किया कि उसको समझाने का कि ऐसा नहीं होगा, परंतु डैडी he went on, परंतु वो कहता रहा, अगर हम एक साथ हैं, we aren't afraid to dying if we can all be together. You and mummy, Sue and I. यदि मैं, मम्मी, आप और मेरी बहन शू एक साथ हैं तो मैं मौत से नहीं डरता, हम मौत से नहीं डरते। ये कितने मार्मिक शब्द उस समय उस बच्चे के थे जो 6 साल का था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मौत सामने खड़ी हुई है और वो इस बात को बोल रहा है, बड़ी मार्मिक बात। कितना भयंकर एडवेंचर उस लाइफ में, उनकी लाइफ में उस समय था। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. Writer कहता है कि मेरे पास उस बच्चे को सांत्वना देने के लिए या उसका जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मैं वापस बच्चों की केबिन से बाहर आया और जो भी मेरे पास था उन सब से, समुद्र से एक युद्ध लड़ने का प्रयास किया। To protect the weekend starboard side, I decided to give up with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. मेरे पास इस समय कुछ नहीं था, बाकी
केवल नायलॉन की रस्सियां थी जो लाइफ बोट का काम करने के लिए, लाइफ बोट भी हमारी खराब हो चुकी थी, और मैंने निश्चय किया कि उन नायलॉन की रस्सियों से और जो प्लास्टिक बैरल, प्लास्टिक के बॉक्स थे, डब्बे थे पैराफिन के 22 लीटर वाले, उन पैराफिन के डब्बों को जोड़ करके मैंने लाइफ बोट बनाने का प्रयास किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेड टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज अ मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। उस शाम मैं और मैरी एक साथ बैठे हुए थे, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और शिप के अंदर पानी भरता जा रहा था और हम मौत को अपने सामने खड़ा हुआ देख रहे थे। अब हमने महसूस किया कि अब हमारा अंत हमारे नजदीक है। बट वी वॉकर रोड आउट द स्टोर एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राइड टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्क ऑन विंड स्पीड्स चेंजेस ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजिशन। और मैंने अचानक क्या हुआ, परंतु फिर ऐसा हुआ कि जो वेव वॉकर हमारा जो शिप है वो उस लहर के ऊपर सवार हो गया। और अगली सुबह 6 जनवरी का दिन था, उस समय मैंने चार्ट रूम में जाकर के गणना करने का प्रयास किया कि अभी हम इस समय कहां पर हैं। मैंने कैलकुलेशन किया अपनी पोजीशन को देखने का। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वॉज दैट वी आर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। और हम, मैंने जैसे कैलकुलेशन से अपनी पोजीशन निकाली, मेरी पोजीशन, हमारे शिप की पोजीशन समंदर में कहीं 150,000 किलोमीटर दूर एक 65 किलोमीटर के नजदीक एक आइलैंड के नजदीक थे। हमारी पोजीशन थी 150,000 किलोमीटर दूर थी समंदर में, और हमारे 65 किलोमीटर की दूरी पर एक कोई आइलैंड था। पैसेज नंबर 9। व्हाइल आई वाज थिंकिंग शू मूविंग पेनफुली joined me, the left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. जब हम ये सब बातें सोच रहे थे, उस समय सू, जो मेरी बेटी है, वो भी हमारे पास आई और उसकी जो बाई आंख थी वो काफ़ी सूज चुकी थी और उसका, उसकी जो सिर में चोट लगी थी वो भी काफ़ी फूल गया था, घूमड़ निकल आया था, जैसे घूमड़ हो जाता है ना उस तरह से फूल गया था। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड। और उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने अपने हाथ से बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी and me with the words, here are some funny people, did they make you laugh? उन्होंने, उसने जो उस कार्ड के फ्रंट में बनाया था मैरी और मेरी फोटो बनाई थी और उसमें लिखा था कि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें हंसा सके? I laughed and lost as well. और मैं इतनी जोर से हंसा, मुस्कुराया उस गंभीर परिस्थिति में अपनी उस बेटी के लिए कि वो मेरी बेटी प्रसन्न हो गई। मैंने सब कुछ भूल गया और भूल करके मैं हंसा और मैंने अपनी बेटी को खुशी दी।
वो कहना चाह रही थी कि ऐसी दुख की घड़ी में कोई हमें सुखी खुशी दे सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति है? तो मैंने उसको हंस करके बड़ी जोर से ठहाका लगा करके एक खुशी दी. इनसाइड वॉज ए मैसेज, ओह हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेक इट. और इस मैसेज में जो मेरी बेटी ने दिया था, एक बहुत गंभीर जो उसने लिखे थे ये शब्द, उसमें एक बहुत गंभीर मैसेज छिपा हुआ था. वो कहती थी कि वो हमें बहुत प्यार करती है और शायद वो भी अब ये सोचती थी कि अब हमारा समय आने वाला है, परंतु समाओ वी हैड टू मेक इट, हमने किसी भी तरह से अपने उम्मीदों को पूर्ण करना था और हमें आगे बढ़ना था. जो कि ये मेरी बेटी के दिया हुआ जो ये कार्ड था, जो मुझे एक धन्यवाद के रूप में था कि भाई आपने बहुत कुछ अच्छा कार्य किया है हमें बचाने के लिए, परंतु बाकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी मौत होगी या नहीं होगी, ये समय बताएगा. और परंतु मुझे उससे एक प्रेरणा मिली और मैंने फिर से अपना प्रयास जिंदगी की जिंदोजहद के लिए शुरू किया. यहाँ तक का आपका ये 9 पैसेज का सफर समाप्त होता है. अब हम अपने इस सफर को जारी रखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.